नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल लव गुरु MK में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं दुश्मन का वशीकरण टोटके, कपूर से दुश्मन का वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, कपूर से कैसे आप अपने दुश्मन को अपना गुलाम बना सकते हैं, अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप भी परेशान अपने दुश्मन से, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है या फिर कोई और परेशानी है, ये सब बातों का समाधान आज आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा। इन टोटकों को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल लव गुरु MK को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक को आगे लेकर। वैसे तो दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान वे लोग हैं जो अपने आपके मित्र प्यारे ही जब दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए यही उपाय टोटके लेकर आए हैं कि अपने दुश्मन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, साधारणतः किसी व्यक्ति के जीवन में वैसे तो दुश्मनों की कमी नहीं होती, ये दुश्मन कहीं भी और कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह आपके साथ भी घट सकता है। मुसीबत तब और अधिक बढ़ जाती है जब आपके शत्रु आपस में मित्र बनकर आपको ही हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपसी मेलजोल से वे और अधिक शक्तिशाली होकर आपको और अधिक परेशानी में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी परेशान अपने दुश्मन से, आपके दुश्मन ने आपके कारोबार को बिल्कुल नीचे गिरा दिया है, आपका बिजनेस ठप पड़ चुका है, या फिर कोई और परेशानी है, आपके दुश्मन ने काला जादू करवा रखा है, तो फिर आप हमारे इस वीडियो से अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं, अपने दुश्मन का वशीकरण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दुश्मन से छुटकारा पाने के ये टोटके। दोस्तों, दुश्मन का वशीकरण करने के लिए आपने शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करना होगा। शनिवार के दिन आपने दो कपूर की टिक्की लेनी है। इन कपूर की टिक्की को अपने किसी लाल कपड़े के ऊपर रख लेना है और साथ में जिस शत्रु का आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम अपने कागज के ऊपर लिखना है 31 बार। नाम लिख लेने के बाद आपने एक वशीकरण मंत्रा का जाप करना है। दोस्तों, वशीकरण मंत्रा इस प्रकार से है, ओम विद्राए व्रजनाथ प्रोचोदयाए चामुंडाए कुरु कुरु स्वाहा। ये वशीकरण मंत्रा है, आपने इसका जाप 151 बार करना है। दोस्तों, लगातार 3 दिन तक आपने इस क्रिया को दोहराना है और इस वशीकरण मंत्रा का जाप करना है। 3 दिन समाप्त होने के बाद आपने इस कागज समेत इन कपूर को जला देना है और दोस्तों 11 बार फिर से वशीकरण मंत्रा का जाप करना है। वशीकरण मंत्रा का अब आपने इस प्रकार से जाप करना होगा, क्री क्री शत्रु नाशिक क्री क्री फट स्वाहा। ये दोस्तों, जब आप कपूर को जलाएंगे तब आपने इस वशीकरण मंत्र का जाप करना होगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, ये थे दुश्मन से छुटकारा पाने, दुश्मन का वशीकरण करने के टोटके। अगर आप किसी और समस्या से परेशान हैं तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। कुछ और विधि उपाय टोटकों को भी आप जान सकते हैं सिर्फ एक कॉल के द्वारा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।